गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनील दत्त आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो रहेगा हमारा पर्यावरण अध्ययन में उप विषय जो है वो ब्लड, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को आज हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। ब्लड ग्रुप के बारे में जब भी जिक्र आता है तो कार्ल लैंडस्टीनर को जाना जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1990 में ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। अब ब्लड ग्रुप के अंदर इन्होंने क्या देखा कि दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी, और उस एंटीबॉडी से किस तरह से ब्लड ग्रुप बनेगा वो मैं यहाँ राइट कर दूंगा। यहाँ ब्लड ग्रुप बनता है। अब सबसे पहले एंटीजन जो है वो डिनोट होते हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी से, एंटीबॉडी डिनोट होते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी से। ये डिनोट होंगे, इनको डिनोट करने के लिए सिंबल ले लिए गए हैं। अब सबसे पहले आता है कि एंटीजन ए है यहाँ पे और एंटीबॉडी यदि बी है तो ब्लड ग्रुप बनेगा ए। उसके बाद यदि एंटीजन बी है और एंटीबॉडी हमारे पास यहाँ ए है तो ब्लड ग्रुप बनेगा बी। उसके बाद थर्ड पे आ जाता है, एंटीजन ए और बी दोनों हैं, एंटीबॉडी है ही नहीं तो ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी। और एंटीबॉडी एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी दोनों हैं तो ब्लड ग्रुप बनेगा ओ। इस तरह से चार ब्लड ग्रुप हमारे पास बन जाते हैं, ए बी और ओ। अब बात यह आती है कि इनको किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव माना जाता है। अभी पॉजिटिव कैसे होंगे, तो एक बंदर था जिसका नाम था रीसस। रीसस यानी उसको आरएच रीसस बोलते थे, तो उसका आरएच फर्स्ट जो है उसको ले लिया गया। अभी आरएच पॉजिटिव होते हैं और आरएच नेगेटिव होते हैं, दो चीजें होंगी, आरएच फैक्टर मान लिया गया। अब ये आरएच क्या है, जैसे हम रेड ब्लड सेल्स को जब स्टडी करते हैं तो उस रेड ब्लड सेल्स के ऊपर इस तरह से एक ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है। तो जहां पर ये रेड ब्लड सेल्स के ऊपर आरबीसी के ऊपर ऐसी ग्रोथ जो है, ऐसी एक स्ट्रक्चर जो है सैपलिंग टाइप यदि नजर आए तो उसको हम कहेंगे वो आरएच पॉजिटिव है, और यदि नहीं है तो हम कहेंगे आरएच नेगेटिव है। तो अब अपने पास ब्लड ग्रुप हो गए ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए और उसके बाद बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, ऐसे ही ओ पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। उसके बाद आता है कि इनमें से अब यूनिवर्सल डोनर कौन सा है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है। यूनिवर्सल डोनर हम मानते हैं ओ को, तो ओ में ये होगा ओ नेगेटिव जो है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, और जो ए बी है ए बी में कौन सा, ए बी पॉजिटिव जो है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये टॉपिक हो गया हमारा। उसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा व्यक्ति किस तरह के ब्लड ग्रुप की महिला के साथ में जो है वो शादी करेगा, तो कितने बच्चे जो है वो होने की संभावना होती है। तो सबसे पहले मैं राइट करता हूं यहाँ फीमेल और यहाँ पे मेल और फिर उसके बाद चाइल्ड। यदि फीमेल पॉजिटिव है और मेल ये नेगेटिव है तो C1 और C2 की बात करते हैं, फर्स्ट चाइल्ड में और सेकेंड चाइल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि फीमेल नेगेटिव है और मेल पॉजिटिव है तो सिर्फ एक ही बच्चा हो सकता है, उसके बाद में बच्चे होने की संभावना नहीं है। इसके बाद में यदि फीमेल पॉजिटिव है और मेल भी पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों नेगेटिव हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीजें आती हैं। अब बात आती है कि आरएच फैक्टर जो है वो कितना वेरी करता है। हम पॉजिटिव की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड 85% पीपल जो है वो ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने की संभावना सबसे ज्यादा है, नेगेटिव की कम है। तो आज जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो रहा हमारा ब्लड ग्रुप। ओके, थैंक यू।